एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में जो एडवर्टाइजमेंट देखी थी आपकी, जहाँ पे मेंशन था 30,000 में आप यूके वर्क परमिट कराते हैं। हेलो, हाँ हाँ जी, मैं खुशबू बात कर रही हूँ। ओके, मैंने ना आपकी एक ऐड देखी थी न्यूज़पेपर में, जिसमें आप पे मेंशन है कि आप 30,000 में आप यूके का वर्क परमिट डील करते हो, राइट? ओके, तो क्या मैं इसे इसके बारे में जानकारी ले सकती हूँ आपसे? हाँ जी, आप ले सकती हैं। ओके, तो मुझे इसके लिए कहाँ आना होगा? एड्रेस मेंशन किया हुआ है, उसमें चेक कर लो। ठीक है, मैं इसी एड्रेस पे आ सकती हूँ? हाँ जी। ओके, क्या आपसे ही मेरी बात हुई थी यूके वर्क परमिट के लिए? हाँ जी, हाँ जी, मेरे से बात हुई थी। प्लीज बैठिए ना। जी, खुशबू। ओके खुशबू, बैठो। हाँ जी, बताइए खुशबू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में जो एडवर्टाइजमेंट देखी थी आपकी, जहाँ पे मेंशन था 30,000 में आप यूके वर्क परमिट कराते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कराते हैं। ओके, तो मैम इसका प्रोसीजर जान सकती हूँ? इसमें प्रोसीजर कुछ नहीं होता, आपके कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, पासपोर्ट फोटो और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड, ये इसका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें जो पेमेंट का होता है 30,000 जो आपको एडवांस पेमेंट करनी होती है खुशबू, एंड बाकी का बैलेंस जो होगा ना वो आपको जब आपका वीजा बन के आ जाएगा आपको तब पे करना होता है। मैम क्या मैं जान सकती हूँ उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा? देखो, उसका प्रोसेसिंग टाइम खुशबू एक्चुअली 15 to 1 month, इतने में आपको वीजा आ जाएगा वर्क परमिट यूके का। सीरियसली टाइम। थैंक यू सो मच मैम, एक्चुअली मुझे इतने कम टाइम में ही वीजा चाहिए था, एंड मैं डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ अपने। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। लो दिखाइए मुझे मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड मेरी फोटोग्राफ्स। एक मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ खुशबू। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। मैम मैं पेमेंट स्कैन कर दीजिए आप। ओके मैम, मैंने डाउन, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ खुशबू। ओके खुशबू टाइम। ठीक है मैडम, आप निश्चिंत हो जाइए, मैंने आपके डॉक्यूमेंट भी देख लिए और आपने मुझे पेमेंट भी कर दिया। मैं जल्द से जल्द जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम खुशबू। ओके बाय बाय। ठहरिए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी के प्रॉमिस में आके आप वहाँ पे पेमेंट दे के फंस गए? कभी ऐसा हुआ आपके साथ किसी ने बोला हो कि भाई इतना अमाउंट लगेगा 30,000 का 40,000 का और मैं आपके लिए वर्क परमिट या जॉब का अरेंजमेंट करा दूंगा, या फिर किसी ने आपसे 5-7 lakh की कमिटमेंट करी हो और फिर उसके बाद आप वहां पर फंस गए हो? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा है, तो ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आगे ना हो, और अगर हो गया है तो भी ये वीडियो देखिए ताकि आपके साथ भी ऐसा दोबारा रिपीट ना हो। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप ऐसे किसी शॉर्ट कमिटमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करें तो हमेशा बहुत ही केयरफुली डील करें। सबसे पहली बात तो डील ही ना करें। मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी ऐसा शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें जिससे एम्बेसी आपको वीज़ा देना तो दूर की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बैन कर दे, ब्लैक लिस्ट कर दे और फ्यूचर में भी आपको वीज़ा ना मिल पाए। उस सिनारियों में आप चाहे जितने मर्जी अपने नए पासवर्ड बनाएं, बात नहीं बनेगी। अब इसमें करा क्या जाए? अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा लुभावना और बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर आ जाता है, आपने कहीं पर भी देखा सुना, आप वहां पर पहुंच जाते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि आपको जॉब कौन से डिपार्टमेंट में दी जा रही है और कौन सी कंट्री में दी जा रही है। अगर यहाँ पर बात हो रही है वेस्ट की, यानी यूरोप, यूके, यूएस, कैनेडा, तो यकीन मानिए कि वहाँ पर इतने कम चार्ज में कोई भी जॉब मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर वहाँ पे आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं तो कंसल्टेंट वहाँ पे पेरोल पे रखता है, मतलब अगर वहाँ का लाइसेंस्ड कंसल्टेंट है तो वो पेरोल पे रखते हैं वहाँ के लॉयर को, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं वहाँ पे लॉयर को, तो लॉयर की फ़ीस और कंसल्टेंट की फ़ीस तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। उसके अलावा जो भी ये प्रोसेस है, जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज़ है जहाँ से अप्रूवल चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ से जो जो अप्रूवल चाहिए होता है उनमें भी आपके पैसे लगते हैं। जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है, जिस भी लॉयर ने वहाँ के आपके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया है, आपको साइन अप करवाया है, उस कंपनी की रेपुटेशन भी आपको ध्यान रखनी होगी, लॉयर की रेपुटेशन ध्यान रखनी होगी, और सबसे पहले तो एजेंट की रेपुटेशन भी ध्यान रखनी होगी। देखिए, ज़्यादातर एजेंट जो मार्केट में बैठे हैं वो सारे अच्छे ही हैं। ज़्यादातर लोग ना किसी में ही चलने वाले लोग होते हैं, साफ सुथरा काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनमें बीच में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं जो ऐसे लुभावने
ऑफर दिखा के या कोई ऐसी चीज़ दिखा के किसी को भी ट्रैप कर सकते हैं। तो उस केस में आपको जो मैंने अभी चीज़ें आपको बताई हैं उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सब वर्क वीज़ा जैसी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्विस होती है इसको आप सबसे पहले खुद ट्राई करें। वर्क वीज़ा खुद कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर ढेरों वीडियोस ऑलरेडी हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उनकी हेल्प लेते हैं तो आपके पास पूरी नॉलेज होती है कि आपके पूरे प्रोसेस में क्या चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई है और क्या खर्चा आ सकता है। उससे ऐसे ट्रैप में फंसने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको ऐसे ट्रैप्स में से बचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।